हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरे पास है पोके फोन एंड इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है साइबरपंक 2077 का जो गेमिंग लाइफ वॉलपेपर है उससे। एंड देख ही सकते हो किस तरह से देखने को मिलता है ना, काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी स्मूथ काम करता है। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों ये जो साइबरपंक 2077 का जो गेमिंग लाइफ वॉलपेपर है इसे किस तरह से सेट करते हैं उसको बात करने वाले। एंड सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हम दोस्तों जो रॉम की यूज़ करें इस रॉम का नाम है हेलकॉन ओएस। एंड ये जो आपका लाइफ वॉलपेपर है साइबरपंक है दोस्तों सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा। एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 सभी एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर काम कर जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर MIUI के ऊपर भी काम करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसे यूज़ करने के लिए आपके डिवाइस पर कोई भी रूट एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, सो विदाउट रूट आप इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड और क्या क्या आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1+8T का जो नया वाला ये जो लाइव वॉलपेपर है ये भी देखने को मिलता है, इसे भी हम अप्लाई कर देते हैं। देख ले सकते हो बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पर ये दोस्तों लाइव वॉलपेपर है एंड ये देखो काफ़ी मस्त है, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया है। उसके बाद आपको और भी देखने को मिलता है, ये भी देख लेते हैं 1+8T की तरफ से, ये भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें ये वाला भी देखने को मिल जाती है, इसे भी हम अप्लाई कर देखते हैं। देखो ये भी देखने को मिलता है एंड जो ग्रीन रिबन्स करके ये भी हमें देखने को मिल जाती है। सो अलग अलग जो वॉलपेपर्स है वो भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए देखने को मिलता है, ये वाला जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए काफ़ी बढ़िया है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारे वॉलपेपर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो भी आपको पसंद है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सिंपली सेट में टैप कीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेट वॉलपेपर में टैप करना होगा। उसके बाद आपको होम स्क्रीन एंड होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें टैप कीजिए। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों के ऊपर अप्लाई कर लीजिए एंड अभी देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। मेरे को तो ये वाला भी काफ़ी पसंद है, आप भी डेफिनेटली इसे ट्राई करके देखिए ना। दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो आपका वन प्लस का जो वॉलपेपर है, लाइफ वॉलपेपर है, और जो साइबरपंक 2077 का लाइफ वॉलपेपर है, इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो सबसे पहले हमें अनइंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको पहले अनइंस्टॉल मेथड बताऊंगा, उसके बाद जो इंस्टॉल मेथड है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर से जो अपना ऐप्स है इसके अंदर चलते हैं एंड उसके बाद सी ऑल ऐप्स में जाके यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है शॉर्ट बाई ओके शो सिस्टम ना हम यहाँ पर जो सिस्टम को हाइड कर लेते हैं। सो जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है, दो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो सिंपली आपको जो वॉलपेपर का एप्लीकेशन है उसे अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ऐप इन्फो में जाके वन प्लस करके सर्च करना होगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से वन प्लस लाइव वॉलपेपर करके, इसे सिंपली इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपके फोन के ऊपर से जो वॉलपेपर का एप्लीकेशन है हट जाएगा। नाउ ये जो साइबरपंक 2077 का जो गेमिंग लाइव वॉलपेपर है इसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एक जिप फाइल का, वहां पर जाकर आपको जिप को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे देख पा रहे हो ये जो जिप है दोस्तों लगभग 103 MB के आसपास है, इस जिप को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। नाउ एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जेड आर्चीवर को, आप कोई भी फाइल मैनेजर को यूज कर सकते हो। तो जेड आर्चीवर के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको 2-2 APK देखने को मिलेगा, ए वाला एंड ए वाला। सबसे पहले जो है ए वाला APK को इंस्टॉल कर लीजिए एंड सिंपली 1+8T ऑक्सीनेस 11 लाइव वॉलपेपर करके है। सो इसे इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट वाला है उसे भी इंस्टॉल करना होगा हमें। सो नेक्स्ट वाला को भी हम यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए बारो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल होता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो दोनों APK को ही आपको इंस्टॉल करना होगा। दोनों APK को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो आपका ऐप ड्रॉयड है उसके अंदर आपको जो है कुछ इस तरह से वन प्लस करके लिखा आ जाएगा। अगर आप नॉर्मली वॉलपेपर एप्लीकेशन वॉलपेपर के अंदर जाओगे तो आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पर से दोस्तों जो वन प्लस का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा साइबरपंक 2077 का जो एडिशन है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे को तो काफ़ी पसंद है, इसके मैं बात कर रहा था। इसे डेफिनेटली आप ट्राई करके देखना एंड होपफुली दोस्तों वीडियो को पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड आपको दोस्तों जो गेमिंग वॉलपेपर का लिंक है, डाउनलोड लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। ओके बाय।